2,000-3,000-5,000 रुपए पर काम कर रहे, और उसके बाद भी अधिकारियों की नजर उनके 2,000-3,000 रुपए भी नए लोग बात कर रहे थे उन पर रहती करते हैं। आप ईमानदार से कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे, काम चोर व्यक्ति बनेगा उसका इलाज हो जाएगा, ऊपर नहीं करता, काम चोर का इलाज है। काम के प्रति कर्तव्य निष्ठ बनी, यदि काम के प्रति कर्तव्य निष्ठ हो जाए तो मैं तो कहता हूँ हमारे साथ प्राइवेट स्कूल खोलने की जरूरत नहीं। हम प्राइवेट स्कूल इसलिए खुले हैं, इसलिए चल रहे हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, नहीं निकम्मे पद कर रहे हैं, उनका सरकारी स्कूल में काम नहीं हो रहा है। हजारों अरबों खरबों रुपए का दुरुपयोग हो रहा है, हमारा हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। पब्लिक मैं कहता हूँ आके खोलने से पहले बच्चा पैदा होता टैक्स देता है, और जब आके बंद होती है तब वो टैक्स देकर आके बंद होती है, शमशान या कब्रिस्तान तक जाता करता तो है। उससे ये व्यवस्था है, उससे मेरे एडी साहब को तनख्वाह मिल रही है, उससे मेरे डीएम साहब को नहीं है। आपके देश के प्रधानमंत्री को आप तो तनख्वाह देते हो, वो वेतन छोड़ती है, पब्लिक का नौकर है, आप पता नहीं कोई अधिकारी मान लेते हो। वो इस सब जिस दिन ऐसी चीज समझ में आ जाएगी उस दिन आपको आपके अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता। अभी बहुत सारी चीजें बात है, मुझे भी ये बात अवश्य ही कहता हूँ। निश्चित रूप से आप लोग बहुत ही कठिन परिश्रम और विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आप लोगों को मैं ये बात अपने ग्रुप में जब रहता हूँ या अपने सरकारी अध्यापकों से जब बात करता हूँ तब भी कहता हूँ, आर्थिक संकट का सामना करते हुए भी आप लोग देश को मजबूती देने का काम करते हैं, और बहुत स्कूल तो ऐसे हैं। अभी मैं एक स्कूल हमारे बिल्कुल एकदम पास ही है, हमारे ऑफिस के पास ही है, लेकिन उसको मैं चेक करने गया था, वहां इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और इतने तन्मयता से वो पढ़ते हुए मुझे बच्चे मिले, तो इसी से स्पष्ट होता है कि कितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं।